मैं रामगंज वार्ड का एक परिवार का सदस्य जरूर हूँ, परंतु मैं हमेशा विपक्ष में रहा हूँ। हमारे पार्टी जो नगर पूर्व अध्यक्ष थे संतोष मालवी जी ने, मैं रामगंज वार्ड के लिए कुछ न करने के कारण आज जो नतीजा है कि हमारी लता यशवंत पटेल आज नगर के अध्यक्ष की चुनी गई हैंगी। विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता हमारा ये काहे की हलचल चल रही, आज हमारी दादी अध्यक्ष बनी है तो उसके रैली बेटा एक बात तो बता, स्कूल स्कूल नहीं गए तुम आज? नहीं गए, नहीं गए। फाइन लगेगा? नहीं लगेगा, दादी अध्यक्ष बन गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। सुहागपुर नगर परिषद में दूसरी नगर सरकार बन चुकी है। मेरे साथ जो BJP के नगर अध्यक्ष चुनी गई हैं वार्ड नंबर 9 की पार्षद लता यशवंत पटेल, जो कि नगर परिषद सुहागपुर की अध्यक्ष बन चुकी हैं। उनके समर्थक यहां पर खड़े हुए हैं, खुशी जाहिर करने के इंतजार में है। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं सब। अच्छा। विधायक जी का इंतजार है, विधायक जी अभी उपाध्यक्ष चुनाव के बाद आ जाएंगे तो उनके साथ जुलूस निकालेंगे। अच्छा, जुलूस निकालने की तैयारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब चुनाव हुआ था तो 10 सीट जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे उनको मिली थी, 15 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें से नौ सीट भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते थे और जिसमें से एक निर्दलीय था। निर्दलीय का समर्थन मिलाकर 10 सीटों पर नगर में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, भाई साहब युवा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीजेपी का समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी बात है जिसके कारण लता यशवंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में सुहागपुर की जनता ने चुना? विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। अच्छा। और शुरू से ही विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतती आ रही है। अच्छा। तो विकास के मुद्दे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनी है और लता यशवंत पटेल ने जिससे पूर्व 2 से 3 बार अध्यक्ष रहे शशि संतोष मालवीय को चुनाव लड़ा हराया है। अच्छा। तो उससे उपेक्षा आप लगा सकते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और उसी पर चुनाव जीते हैं। मेरे साथ बीजेपी के मंडल महामंत्री नितिन कुमार सूर्यवंशी जी हैं, क्या कहेंगे जी? भाई साहब, ये आज जो पूरे मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विजय पंचम लहराया है, उसी प्रकार हमारे सुहागपुर विधानसभा मंडल सुहागपुर में जो पंचम लहराया है लता पटेल, यशवंत पटेल रामगंज वार्ड से, हमारे समस्त एक छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, प्रदेश से लेके हमारी पूरी जो माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया जी, सुहागपुर में किस तरह की तैयारी करके उतरे थे आपके कार्यकर्ता? हम लोग यहाँ पे तैयारी हमारी जो थी सारे वार्डों में, हमारा इसके पहले जो हमारी परिषद में थी, हम लोगों ने इतना विकास कार्य में कहीं हमारे विधायक जी, हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे प्रत्येक पार्षद महोदय सभी ने अपनी कर्मठता से हमारे सारे वार्ड में बहुत काम कराया। जनता ने हमारे पूरे विश्वास के साथ में हमें पूरा मत दे के यहाँ पर आज इस जगह में रणभूमि में हमें विजय के लिए आगे के लिए अग्रसर कराया और हम निरंतर सेवा करें। लेकिन जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाते हैं कि जो विधायक जी हैं उन्होंने काम में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया। जब सरकार थी तो उनसे पूछो तो उन्होंने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। और इससे पहले जब हमारी सरकार थी उस समय जनता से पूछिए आप कि हमने क्या करा है, जितना दिखा रहा है यहाँ से लेके ये मंगल भवन दिख रहा है, ये हमारी पार्टी के सभी लोगों की ये देन है, और भी जो अभी स्टेशन रोड देख लीजिए आप, हमारा शमशान घाट देख लीजिए, ऐसे प्रत्येक जितने के इंतजाम गार्डन देख लीजिए, नगर पालिका भवन देख लीजिए, मंगल भवन देख लीजिए, हमारे जितने भी भाई बहनों की सबकी शादी होती है। इससे बड़ा गंज का हमारा रिप्टा जो बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ से आज पार्षद जी विजय हुए हैं जिस वार्ड से, रामगंज वार्ड से, उस जगह सबसे बड़ा रिप्टा की परेशानी थी, तो हमारे तमाम लोग 2-3 वार्डों के लोग वहाँ से आना चाहते हैं। कितना विकास कर पाएंगी लता पटेल? काफ़ी विकास करेंगी। आज जो जीती हैं ये विकास से ही जीती हैं। अच्छा। ये भाजपा का ही जो विकास है जो आज यहाँ पे पूर्ण बहुमत से हम विजय हुए। अच्छा। और माननीय हमारे विधायक जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनने जो विकास कार्य किए हैं जिनकी वजह से ही आज हम जीते हैं।
उम्मीदों की बात करें, किस तरह के विकास की, क्या नाम भाई साहब? यहाँ पर आइए, आप छुप रहे हैं, समर्थक नहीं है भाजपा, समर्थित नहीं है, कोई बात नहीं। ये भाई साहब अपने अच्छे हैंडसम से गाइस खड़े हैं यहाँ पर, क्या नाम है भैया आपका? अनिल पटेल। अनिल जी आप भी पटेल हैं, क्या बात है। पटेल साहब ये बताइए, किस तरह के विकास की आवश्यकता है सुहागपुर में? विकास की आवश्यकता जैसे जरूरी माने तो रोड नाली प्राय ये प्राइमरी रहते हैं। अच्छा। लेकिन हम वो विकास लाएंगे शहर में जो हमारे माननीय मोदी जी, माननीय विधायक जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजयपाल सिंह जी, उनसे जैसा आशीर्वाद प्राप्त होगा हम वैसी विकास की गंगा बहाने में सहयोग प्रदान करेंगे। हम विधायक भाजपा से, नगर अध्यक्ष कांग्रेस से रहे जी, कहाँ पर ये तालमेल गड़बड़ा रहा था? तालमेल जो है मतलब विकास के कारण ही गड़बड़ा रहा था। अच्छा। विकास नहीं हो रहा था, इस वजह से जनता जो है नाराज थी। और जो पटेल साहब का पिछले समय से देख लो आप, दो बार पार्षद रहे हैं ये, वहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा किया तो इस बार इन्होंने जो है इतने मतलब शेर को हरा दिया। अच्छा। हाँ मतलब जो है शेर से, मतलब शेर को हरा दिया, शेर को हरा दिया, मतलब उन भारतीय जनता पार्टी नर्मदा मैया का एक ही लाल, नर्मदा मैया का एक ही लाल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट, श्री संतोष माल जी को हराना मतलब सूरज पश्चिम से उगाने वाली बात थी। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे व्यक्ति को इन्होंने हरा दिया, आप सोच लो कि मतलब बीजेपी का नगर मतलब कितने वहाँ के गंज के लोग इनको कितना चाहते होंगे, वार्ड नंबर 9 के लोग कितना चाहते हैं इनको। अच्छा। इनके पहले भी ये वहाँ पार्षद रहे हैं तो इनके मतलब कार प्रणाली ऐसी है कि लोग इनको अत्यधिक चाहते हैं। और ये किसी से आज तक इन्होंने किसी से तू करके बात नहीं करी। अच्छा। सबसे प्रेम से बोलते हैं, घमंड नहीं है, घमंड नहीं है, घमंड नहीं है इनको कि हम पार्षद हैं, बीजेपी के हैं, ये 50 सालों से रही कांग्रेस। अच्छा। इन्होंने कुछ किया? मैं तो अभी भी कहूँगा दावे के दार, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे मोहल्ले के नाते हमारे पटेल भाई, यशवंत पटेल हमारा भाई होते हैं, हम इसके लिए गर्व से कहते हैं कि हमारी बहू लता पटेल बनेगी। अच्छा, बन चुकी हैं वो तो। पवनू भैया जिंदाबाद। बीजेपी का वरिष्ठ नेता हूँ मैं। अच्छा, आप ऐसे बताइए, मुझे डर लग रहा है। मैं बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्साह है वो उबाल मार रहा है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दावे कर रहे हैं कि जो लता यशवंत पटेल हैं वो पूरी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी और विकास की गंगा बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री भारत माता की विजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुहागपुर की जनता ने जिस दिल लगी से, जिस चाहत से बीजेपी को वोट दिया है उसे कहीं ना कहीं जवाबदारी भी नगर अध्यक्ष के पद पर बढ़ गई है, पार्षदों के ऊपर बड़ी जवाबदारी है जिसके कारण वो दोबारा सत्ता में आएंगे। ये देखना लाजमी होगा कितना विकास सुहागपुर में होता है या नहीं। संजय वैष्णव की ये खास खबर आप सुहागपुर से देख रहे हैं। नमस्कार।